इनसे मिलिए। ये हैं काजी अमान। इनका ताल्लुक तुर्बत से है। ये एक साइकिलिस्ट हैं। इनका सफ़र कोयटा से शुरू हुआ था और ये बेला पहुँचे। 0 पॉइंट से ग्वादर और फिर तुर्बत इनकी आखिरी मंजिल है। यार बड़ी हिम्मत की बात है, अकेले ही इतने लंबे सफ़र पर निकल पड़े। काकाज़ गार्डन में हमने इनको वेलकम किया और गुड जेस्चर के तौर पर साइकिलिंग भी की। आए इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं काजी अमान मारिश्ट एसोसिएशन साइकिलिंग की तरफ से मार्च कर रहा हूँ और हमारा मोटिव है कि सोसाइट जो मायूसी हमारे यूथ के दरमियान पाई जाती है नौजवानों में, हम इसके खिलाफ मतलब मुहिम कर रहे हैं क्योंकि नौजवानों को मोटिवेट करें कि वो तालीम के साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज का भी, मेंटल सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत से यूथ तालीम तो हासिल कर रहे हैं लेकिन नशे से स्मोकिंग एडिक्शन की तरफ, मेंटल इलनेस की तरफ वजह से खुदकुशी का शिकार हो रहे हैं और मायूसी का शिकार हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी एसोसिएशन की तरफ से मोटिवेशन यूथ को मिले कि यूथ तालीम के साथ साथ स्किल भी सीख ले और अपनी तालीम के साथ साथ वो मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखे, क्योंकि मेंटल हेल्थ नहीं होती तो ज़िंदगी नहीं होती। हेल्थ इज़ वेल्थ। जब हेल्थ की सेहत की ख्याल नहीं करोगे तो ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। तो हम इसलिए मोटिवेट करें यूथ को ताकि वो अपने फारिक 1 घंटा 24 घंटे में निकाले, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखे, या स्पोर्ट करे, या एक्सरसाइज करे, या साइकिलिंग करे, या कोई भी चीज़ करे एक्टिविटी, ताकि उसकी मेंटल हेल्थ ग्रोथ हो जाए। ऐसे माहौल नेचुरल माहौल प्रोवाइड होती है लोगों को जो अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ गवार मौसम में अपने बच्चों के साथ मतलब सेहतमंद होते हैं, और ऐसे लोग बहुत हमारे माशरे में कम हैं जो हमारे माहौल और हमारे लोगों के बारे में सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक हम गार्डन में, काकाज़ गार्डन में आपको वेलकम करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा आपके इस आने से। हमें गार्डन में हमारी रौनक हुई और हमारे लिए गुड जेस्चर है कि इस तरह के दोस्त आते हैं इधर, हम उनसे मिलते हैं। रियली एक बड़ा अप्रिशिएटेबल काम है। तो हम ये हमारे जो दोस्त हैं हमारे काकास ट्रेवल पे, ये जानना चाहेंगे कि आपने आखिर इतना लंबा सफ़र क्यों किया इतना, ये तो बड़ा हेक्टिक टास्क है। इस वक्त लोगों के पास टाइम नहीं होता, महंगाई है, गुर्बत है, और फिर लोग खुद अपने आप से परेशान हैं, तो आपने इतना लंबा सफ़र किया, आप बताएंगे इस हवाले से? बिल्कुल सर, क्योंकि सर हम पहले से, जब भी हमारा मारिश्ट एसोसिएशन है कोई भी मतलब ये इशू टास्क साइकिलिंग के तौर पर करता है, ये दूसरा हमारा है। पहले हमने क्वेटा से तुर्बत रोड सेफ्टी पर किया था, ये हमारा दूसरा है। इसके लिए 1 साल से हम रिसर्च करते हैं, हमारे मुख्तलिफ साथी हैं जो जॉब भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारा जो सोसाइट खुदकुशी अभी जो रेशो है मकरान में स्पेशली या पूरे पाकिस्तान में जनरली पर्टिकुलर मकरान में जो स्टूडेंट क्योंकि नौजवानों के दरमियान ज़्यादा है, हमने रिसर्च किया है कि भाई जब तक यूथ को मोटिवेट नहीं करोगे तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि जब जॉब ले लो अपने बारे में अपना महदूद रहो, तालीम का मतलब ये इंसानियत की खिदमत। मैं समझता हूँ ये कि एक इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है यूथ को संभालना, एक नेशन को बिल्डअप करना है, यूथ को बिल्डअप करना है, नेशन को बिल्डअप करना है। हम तो इस लिए मैं जहाँ भी जाता हूँ यूथ से मिलता हूँ ज़्यादा। अभी मेरा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो उत्तल यूनिवर्सिटी में है, वहाँ भी हम सेमिनार करते हैं इस तरह छोटा, मतलब यूथों नौजवानों को कहते हैं भी पढ़ाई के साथ साथ मेंटल इलनेस का या मेंटल हेल्थ का ख्याल रखो, क्योंकि मेंटल इलनेस इस तरह होती है, एक तो महंगाई प्रेशर है, एक पावर्टी है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है, तीसरा हमारी एजुकेशन तालीम जो निज़ाम है वो बहुत ही मतलब पुअर सिस्टम है एज़ कम्पेयरिंग टू फॉरन कंट्री, एज़ कम्पेयरिंग टू नेशनल, इवन नेशनल मार्केट में हमारे तालमी याफ्ता यूथ कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आई लेवल एकेडमिक इंग्लिश नहीं है, राइटिंग की बात कर रहा हूँ, या उनकी आई लेवल आर्थमेटिक्स मैथ नहीं है हमारे यहाँ, मतलब बहुत ही कम है। वो इसलिए कि हम कहते हैं कि यूथ को फाइट करना है, फाइट करने के लिए आपको एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ और बहुत से ऐसे कामों में मतलब इल्ती कामों में, इल्ती इन्वायरमेंट में पार्टिसिपेट करना है ताकि वो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए। रियली सर, अगर आप जिस्मानी तौर पर सही नहीं है ना तो आप मेंटली तौर पर भी कोई प्रोग्रेसिव काम नहीं कर सकते, ये एक हकीकत है। ये मैंने काकाज़ गार्डन बनाया है ना, इसका बेसिकली मकसद भी ये है कि हमने, आपने देखा वॉकिंग ट्रैक भी बनाया, अभी हमने जो एक साइकिल का वॉक किया,
तो मकसद ये है कि आप आएं, वॉक करें, आप फिज़िकली फिट होंगे तो ही आप बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। बिल्कुल सर। तो ये आपका मौका बड़ा ज़बरदस्त है, हम आपकी इस काविश को अप्रिशिएट करते हैं। और मेरे इस मौके पर बाकी नौजवानों से भी गुजारिश है कि अभी देख रहे हैं फ्यूल पेट्रोल डीजल कितना महंगा है, साइकिल इज़ गुड वन। बिल्कुल सर। तो साइकिल को आप लोग इस्तेमाल करें। मैं कभी कभी साइकिल पे चक्कर लगाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि साइकिलिंग एक आप खुद इतने अरसे से चला रहे हैं तो एक फिज़िकली आप मेंटली फिज़िकली हेल्थी। बिल्कुल सर। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों से नज़दीक मिलने का, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं आप हमारे पास आए, हमें ये मौका दिया आपने सर। आप तो मुझे बड़ा मज़ा आया, तो थैंक यू। थैंक यू।